हेलो अमेकुम दिस इज वक्तावर महमूद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया 62 टू रन से जीत गया जब ये मैच शुरू होने वाला था तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट अ बेटर पोजीशन और उम्मीद की जा रही थी कि इस दफा जो है पाकिस्तान अपने लास्ट मैच जो के इंडिया के खिलाफ तो उससे ज्यादा एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा अनफॉर्चुनेट है दोबारा से क्योंकि जो कमिटमेंट जो प्रोफेशनलिज्म और एक डेडिकेशन जो बाकी टीम्स में आपको दिख रही है जो इंडिया की टीम में हमेशा दिखती है ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस मैच में दिखी पाकिस्तान टीम में वो नहीं दिख सके थ्री सिक्सटी का एक बड़ा टारगेट इनिशियली जिस तरह से डेविड वार्नर ने 163 एंड सिक्सटी बनाए मिशेल मार्श ने 121 एंड रन बनाए जिस तरह से उन्होंने अपनी इस ओपनिंग पार्टनरशिप को uh, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आने वाले जो बैटर्स हैं वो वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमेशा इस चीज में फेल हो जाती है द ओनली गुड पार्ट वो इज दैट शाही टू फाइव विकेट्स गिव बाय जिस फिफ्टी फोर रन एंड इन टेन ओवर हारिश रोफ हारिश रौफ ने 83 रन्स दिए तीन विकेट्स ली और लेकिन शाहन और हारिश रोफ दोनों ने विकेट्स बहुत लेट ली इनिंग्स में जाके जब जो असल डैमेज जो था वो हो चुका था और उसामा मीर आउंड नो अगैन मैं ऑनेस्टली अगर इस चीज को एक्सेप्ट करूँ तो पहले मैं भी कह रही थी कि शायद आपकी जगह उसामा मीर को लाना चाहिए बट uh, सिर्फ एक विकेट ली उन्होंने और नौ ओवर्स में एटी टू रन दिए दैट इज समिंग विच विज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ उसामा मीर उनका डेब्यू था ये लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके फिर हमने ये सोचा कि बैटिंग पे शायद उसामा मीर एक अच्छे ऑल राउंडर हैं क्या पता वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करे लेकिन वो तीसरी ही बॉल के ऊपर आउट हो गए पहली दो बॉल्स उन्होंने डॉट दी और जीरो के ऊपर आउट हुए अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि ऑब्वियसली आपका जब ओपनिंग लाइनअप uh, जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे भी बैटर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो इमामुल हक हु स्टूड इमामुलज समू डी वन सेवेंटी रन फ्रॉम सेवेंटी वन बॉल्स दैट वॉज समेव अ स्ट्रॉग स्ट्रेंथ टू द बैटिंग लाइनअप अलॉन्ग विद हिम अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने सिक्सटी फोर रन बनाए सिक्सटी वन बॉल्स पे अगेन्स शुरू में यही लग रहा था कि अच्छी पार्टनरशिप है लेकिन खेलते साथ ही लाइक जैसे ही आप शुरू के पांच ओवर्स में अपनी ओपोनेंट टीम के ऊपर एक प्रेशर सिचुएशन जो है वो डालते हैं आप कोशिश करते हैं कि जी अब ये टाइम आ गया कि जी हम अटैक करेंगे उसके बाद हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं और हम अपना रन रेट ऐसे 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 डाउन करते जाते हैं डाउन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप खुद ही जो है ना अपनी एक विकेट लूज करते हैं दूसरी विकेट लूज करते हैं देन यू आर

बस करते तो यार मतलब वो जो लोग जो कह रहे जी कि ये वो रैंकिंग में आ जाते होंगे भाई अच्छा कर लेते हैं परफॉर्म दूसरे मैचेस में कर लेते हैं बट वाई इज इन नी डूइंग एनी कोई एक डिपेंडेंस उनके ऊपर या वो कैप्टेंसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे तो हम कहें जी शायद वो कैप्टनसी का बड़ा प्रेशर ले रहे हैं इसलिए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही ऑनस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई डोंट थिंक सो दैट वी एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आर एप्रिशिएटिंग हिज हिज वोट एवर इज इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड एज ए कैप्टन बट वी आर नॉट एप्रिशिएटिंग दैट और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी शायद इम्पैक्ट हो रही है तो कुछ करें बाबर जी कुछ करें हाँ बहुत लेट होता जा रहा है और हम नहीं चाहते कि जब uh, हम और डिफरेंट एक्सक्यूज और कुछ रेट्स को डिस्कस करें तो फिर हम आपको भी डिस्कस करें और लोगों को ये मौका मत दें आप मोहम्मद रिजवान मैं कहती हूँ हमेशा ये बहुत डिपेंडेबल है आप चाहे किसी को इनका इनका बैटिंग स्टाइल अच्छा लगे ना लगे मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यार भरोसे का बंद है ये गलत काम नहीं करते बस शॉर्ट खेल रहे इधर उधर दुर खेल रहे क्लास अगर नहीं है लेकिन कम अज कम रन तो कर रहे हैं ना टीम को तो सपोर्ट कर रहे हैं टीम के लिए खेल रहे हैं फोर्टी सिक्स रन बनाए उन्होंने आज भी फोर्टी बॉल्स पे और पिछले मैच में भी सिर्फ एक रिजवान थे कि जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि यार ये कर सकेंगे अब सिचुएशन क्या है ये सब आपके सामने है अगले मैच में क्या होता है हम फिर से वही ना इफ्स एंड बट्स में आगे आगे क्या होने वाला है